स्प्रिंग से रिलेटेड बेसिक के ऊपर डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी हो चुका है, ठीक है। तो इसमें इस वीडियो में हम लोग वही सीखेंगे कि गेट में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, कहाँ पे हम लोग को फंडा यूज़ करना है, कौन सा, और जितने भी प्रीवियस ईयर वाले प्रॉब्लम है स्प्रिंग और नेचुरल फ्रीक्वेंसी रिलेटेड, इस वीडियो में आपको सब मिल जाएंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ मास ऑफ 1 kg इज सस्पेंडेड बाय अ मीन्स ऑफ 3 spring एज शोन इन द फिगर। द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट K1, K2, K3 आर respectively 1 kN, 3 kN and 2 kN. The natural frequency of the system is approximately, ठीक है, सिस्टम कैसा दिया हुआ है, ओके, डायग्राम में दो स्प्रिंग सीरीज में एक पैरेलल में है और मास दिया हम लोग को, इसने नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने बोला है, ठीक है। तो हम लोग को पता ओमेगा एन क्या होता है, अंडर रूट के बाय एम, ठीक है। तो एक के नहीं है हमारे पास, नंबर ऑफ के हैं, तो मुझे के इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो के इक्विवेलेंट पहले हम लोग सीरीज के लिए देखते क्या होता है, तो सीरीज के लिए के इक्विवेलेंट 1/K इज इक्वल टू 1/K1 + 1/K2 है, 1/K2 है, ठीक है। और मुझे K1 का पता है वैल्यू 1 kN है, प्लस K2 का मुझे पता है 3 kN है, ठीक है। तो 3 वहाँ चले जाएगा, 1 यहाँ 3, तो 4/3 आया। ये 1/K इक्विवेलेंट है, तो K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3/4, ठीक है। ये तो मिल गया मुझे सीरीज के लिए, अब पैरेलल के लिए देखते हैं। ठीक है, तो जो के इक्विवेलेंट होगा पैरेलल के लिए वो क्या होगा, के इक्विवेलेंट सीरीज प्लस K3, ठीक है। सीरीज में डायरेक्ट, पैरेलल में डायरेक्ट ऐड करते हैं और सीरीज में रेसिप्रोकल लेते हैं। तो ये हम लोग को क्या मिला था, 3/4 मिला, प्लस K3 हमारा 2 है, तो मैं मल्टीप्लाइंग डिवाइड बाय 4 कर दूंगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, प्लस ऊपर क्या बचा, 8 + 3 = 11, ठीक है। तो ये हमारा के मिल गया है, मास हमको पता है M1 है, तो ओमेगा एन मिल जाएगा, ओके। तो के इक्विवेलेंट हम लोग को 11/4 मिला, तो अब ओमेगा एन निकालते हैं, अंडर रूट में 11/4 इंटू मास 1 है, ठीक है। लेकिन जो हम लोग ने के निकाला है वो सब किलो न्यूटन पर मीटर में, और ओमेगा में निकालने के लिए हम लोग को उसको न्यूटन में रखना होगा। तो यहाँ 10^3 मल्टीप्लाई कर देते, तो ये आ जाएगा 11 × 10^3 / 4 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। आप कैलसी या इसमें डाल के सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा डेसिमल्स में, ठीक है। ये इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गया, ओके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्प्रिंग है पैरेलल में, स्टिफनेस दिए 20 kN और मास दिए 100 kg, ठीक है। तो अब ये मुझे पैरेलल में मुझे पता है, तो ये के इक्विवेलेंट लगाऊंगा मैं, तो 20 + 20 = 40 हो जाएगा, ठीक है। ये किलो न्यूटन में है, तो मैं 40 × 10^3 कर दूंगा न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाते हैं, अंडर रूट के बाय एम, ठीक है। तो मैंने के का वैल्यू डाला 40 × 10^3 और मेरा मास 100 है, ठीक है। 2 0 इधर गया, मतलब 2 ये चले गया, तो ये 10 बचा बस, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 400, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 20, ओके। तो ये मेरा नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गया इस सिस्टम के लिए, ओके, ठीक है। फिर अगर वो क्वेश्चन में हमसे हर्ट्ज में पूछ ले, ठीक है, या साइकिल पर सेकेंड में पूछ ले, तो दोनों फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम होती है, बस यहाँ पे नीचे 2π आ जाता है, ठीक है। तो 20/2π डाल देंगे, ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10/π। आप कैल्सियम में डाल के सॉल्व कर लीजिए, आपको ये हर्ट्ज में मिल जाएगा, ठीक है। ये रेडियन पर सेकेंड में था और ये हर्ट्ज है, ठीक ठीक है।
तो हमारा नेक्स्ट सिस्टम ऐसा दिया है जिसमें दो बार सीरीज में है, फिर एक बार पैरेलल में है, और उसका टॉर्शनल स्टिफनेस दिया K1, K2, K3 और J हमारा दिया पोलर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ओमेगा एन पूछ रहे हैं, ओमेगा एन पता है हमको K बाय आई होता है, ठीक है, टॉर्शनल वाले में, तो यहाँ पे आई की जगह उसने पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, ऑप्शन में भी वही यूज किया तो हम लोग वही ले लेंगे। ठीक है, बस हम लोग को इसका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, तो के इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये वाले केस में ये दोनों सीरीज में, तो के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, K2 प्लस K1 डिवाइड बाय K1 K2, ये 1/K इक्विवेलेंट है, तो K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, K1 K2 डिवाइड बाय K2 प्लस K1। ठीक है, अभी अब ये हमारा K इक्विवेलेंट मिल गया, अब हम लोग को इसको पैरेलल के साथ ऐड करना है, तो K इक्विवेलेंट विथ रिस्पेक्ट टू पैरेलल क्या हो जाएगा, K3 प्लस K इक्विवेलेंट ऑफ सीरीज। ठीक है, तो K3 हमारा है प्लस K1 K2 डिवाइड बाय K2 प्लस K1। ठीक है, आप इसका या तो ये टर्म डायरेक्ट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, आपको K इक्विवेलेंट मिल जाएगा। अब ये K इक्विवेलेंट यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, ठीक है, तो K इक्विवेलेंट सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये हमारा आंसर मिला है, और ये हमारा नेचुरल फ्रिक्वेंसी इस सिस्टम के लिए। ओके, ठीक है, हमारा नेक्स्ट सिस्टम ऐसा दिया है, इसका भी नेचुरल फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है, तो ये दोनों हमारा जो स्प्रिंग है ये दोनों पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा, इसका K इक्विवेलेंट K/2 प्लस K/2 विच गिव्स अस K। ठीक है, अब मेरे को ये मिल गया तो इसके बदले मैं ये सब्स्टिट्यूट कर देता, और फिर जब ये आ जाएगा तो सीरीज में हो जाएगा जैसे, तो ये K इक्विवेलेंट मिला। ठीक है, तो ये दोनों अब सीरीज में हो गए, सीरीज में हो गए तो इनका K इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/K इक्विवेलेंट जो पैरेलल का था प्लस 1/K। ठीक है, तो 1/K प्लस 1/K, ठीक, तो ये इधर से ले जाएगा, इधर चले जाएगा, तो ऊपर 2K आएगा, नीचे K स्क्वायर हो जाएगा। अब ये K और ये चले जाएगा तो 2/K हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, 1/इक्विवेलेंट K इक्विवेलेंट है, तो K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा सीरीज के लिए, K/2। ओके, यहाँ 1/ था इस 2/K आया, तो मैंने उसको पलटी मार दिया तो K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K/2 मिला, ये हमारा ये दोनों का इक्विवेलेंट मिला है। ठीक है, और वो K हमको क्या मिला है, K/2। ठीक, तो ओमेगा एन क्या होता है, अंडर रूट K/n, यहाँ पे K इक्विवेलेंट है, ठीक है, तो हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, K/2 × m, K इक्विवेलेंट का मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया और m m ही है, तो ओमेगा एन मेरे को मिल गया K/2 × m अंडर रूट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑटोमोटिव इंजन वेइंग 240 kg इज सपोर्टेड ऑन 4 स्प्रिंग विथ लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स, ईच ऑफ द फ्रंट स्प्रिंग हैज अ स्टिफनेस ऑफ 16 MN/m, while the stiffness of each rack spring is 32 MN/m, the engine speed in RPM at which resonance is likely to occur। ठीक है, इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम है, ये मास है, मास दिया 240 kg, ठीक है, और उसने बोला है कि जो रेड स्प्रिंग है 16 है और जो फ्रंट वाले स्प्रिंग है दोनों वो 32 MN/m है, मतलब एक कार है या जो भी है मास वो चारों साइड से स्प्रिंग से सपोर्टेड है। ठीक है, और हम लोग को इसका एन निकालना है, रेजोनेंस पे एन क्या होगा आरपीएम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि एन रेजोनेंस क्या होता है, जब वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बिकम्स इक्वल टू नेचुरल वाइब्रेशन। ठीक है, इस अगर ये दोनों इक्वल हो गए तब रेजोनेंस होगा। ठीक है, तो 2πn/60 इज इक्वल टू अंडर रूट K/m, ये
अगर मैं के इक्विवेलेंट निकाल लूँ, मास मुझे पता है, तो सिर्फ एक ही अननोन रह जाएगा एन, तो एन मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं के इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ, ये चारों जो है स्प्रिंग पैरेलल में है, तो के इक्विवेलेंट क्या होगा, 16 + 16 + 32 + 32 क्या हो जाएगा, 32 और ये 64, तो 96 हो जाएगा मेगा न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू 10^6 न्यूटन पर मीटर में। ओके, ये के इक्विवेलेंट मिल गया, मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा उसको और मास सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एन का वैल्यू हमको मिल जाएगा 6040.5 RPM। ठीक है, आप इसको कैल्सियम में सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो एन मिल गया, एन पूछ रहा था वो। ओके, तो नेक्स्ट सिस्टम हमारा ऐसा दिया है, इसमें भी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, लेकिन ये हमारा रेडियन पर सेकेंड में होता है, तो उसको फ्रीक्वेंसी हर्ट में चाहिए। ठीक है, तो हम पहले ये निकालेंगे, फिर इससे ये निकाल लेंगे। ठीक है, ये दोनों स्प्रिंग जो है वो पैरेलल में है, तो मैं के इक्विवेलेंट निकालता हूँ, के वन के सेम ही है, तो के प्लस के इज इक्वल टू 20 + 20 इज इक्वल टू 40 kN/m। तो इसको कन्वर्ट कर लेते, 40 × 10^3 न्यूटन पर मीटर के मिल गया। अब ओमेगा निकालते अंडर रूट में, तो के इक्विवेलेंट डिवाइड बाय मास, तो के इक्विवेलेंट क्या है, 40 × 10^3 मास क्या है, 1 kg। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 40, ये है। ठीक, तो हम लोग स्प्लिट कर दें इसको 400 और 100 में, तो क्या बचेगा, 20 आ जाएगा 400 का और 100 का 10 आ जाएगा, तो क्या हो गया, 200 ये रेडियन पर सेकेंड में मिला। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, बस यहाँ पे 2π आ जाता है नीचे। ठीक है, तो ये हम लोग को 200 मिला, तो 2π से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 100, तो 100 / π ये हर्ट्स में मिल गई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसको यही चाहिए था, तो ये सिस्टम का फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में 100 / π है। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट सिस्टम ऐसा है, दो स्प्रिंग पैरेलल में, बीच में मास कनेक्टेड है, इसका स्टिफनेस दिया और मास दिया, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है के इक्विवेलेंट डिवाइड बाय मास अंडर रूट में, तो के इक्विवेलेंट क्या होगा, पैरेलल स्प्रिंग के केस में K1 + K2, K1 है 4000, K2 है 1600, तो ये क्या हो जाएगा, 5600। ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 5600 / 1.4, पॉइंट हटा के जीरो हटा देंगे। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा रेडियन पर सेकेंड में। ओके, क्वेश्चन में उसने हर्ट्स में पूछा है, तो फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होती है, बस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के नीचे 2π आ जाता है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू मिलेगी आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करना और 2π डाल देना, आपको आंसर हर्ट्स में मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये सिस्टम दिया हुआ है, दो स्प्रिंग है और एक मास है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, दोनों स्प्रिंग पैरेलल में, तो के इक्विवेलेंट K1 + K2 होगा। ठीक है, और मास, इसका मास m दिए, तो ओमेगा m क्या हो जाएगा, अंडर रूट में के इक्विवेलेंट डिवाइड बाय मास, के इक्विवेलेंट क्या है, K1 + K2 डिवाइड बाय मास। ठीक है, तो ये इसका नेचुरल फ्रिक्वेंसी हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट सिस्टम दिया है, दो स्प्रिंग पैरेलल में और एक मास है, इसका भी नेचुरल फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, के इक्विवेलेंट डिवाइड बाय मास, तो के इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या है, K + K क्या हो जाएगा, 2K, तो यहाँ हम लोग के इक्विवेलेंट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो अंडर रूट में 2K डिवाइड बाय मास, ये इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड में। ओके, फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, द स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ अ स्प्रिंग अंडर ग्रेविटी व्हेन अ मास ऑफ 1 kg suspended from it is 1 mm. Assume the acceleration due to gravity g is equal to 10
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्प्रिंग मास सिस्टम इन रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है रेडियन पर सेकेंड में, क्या क्या दिया है, मास दिया 1 kg, फिर डिफ्लेक्शन दिया 1 mm, ग्रेविटी दिए 10 m/s². ठीक है, तो ओमेगा एन क्या होता है डिफ्लेक्शन वाले केस में, जी बाय डेल्टा होता है, तो जी मीटर में है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 × 10⁻³ मीटर हो गया ये, तो 10 × 1 × 10⁻³ मीटर। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये रेडियन पर सेकेंड में आपको आंसर मिल जाएगा ओमेगा एन का। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रोटर शाफ्ट ऑन अ लार्ज इलेक्ट्रिक मोटर सपोर्टेड बिटवीन शॉर्ट बेयरिंग एट बोथ द एंड्स शोज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 1.8 mm इन द मिडल ऑफ द रोटर, अज्यूमिंग द रोटर टू बी परफेक्टली बैलेंस एंड सपोर्टेड एट द नाइफ एज ऑफ बोथ द एंड द क्रिटिकल स्पीड इन RPM ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन में डिफ्लेक्शन दिया 1.8 mm, क्रिटिकल स्पीड पे बोला है उसने, तो क्रिटिकल स्पीड क्या होती है, जब रेजोनेंस होगा तो ये होगा, तो ये हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं इसको, और डिफ्लेक्शन दिया तो जी बाय डेल्टा, मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ 9.81 ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1.8 × 10⁻³, ठीक है, 2π n/60 है। ठीक, तो हमारे पास सब डेटा अवेलेबल है, बस एक एन अननोन है, तो एन हम लोग को मिल जाएगा यहाँ से आरपीएम में इसको सॉल्व करने के बाद। ओके, ठीक है, ऐसे ही आप अगर देखते रहेंगे तो आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, बस आपको आपके ऊपर बस प्रैक्टिस रह जाएगी। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, उनका भी बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, चैनल को सपोर्ट करना है तो आप लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चेक कर लीजिए। बाकी ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।